जय हिंद साथियों। चलिए हम एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम हुए 25 तारीख को, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने क्वेश्चंस लिख के लाया और मेरा एग्ज़ाम था। मैंने वहाँ जाकर कौन कौन से क्वेश्चन देखे, कौन कौन से क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना जरूरी है, और आपको इस वीडियो में यह भी लेवल चल जाएगा कि एयरफोर्स में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको एक लेवल मालूम चल जाएगा, उसके लेवल से आप तैयारी करके जाइएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड्स। और किस किस टॉपिक से अधिकतर सवाल पूछे जा रहे हैं, देखिए मेरा ये एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है। और मैंने कल एग्ज़ाम यानी 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था मेरा, उस समय मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने 15 से 20 क्वेश्चन लिखे जो ओरिजिनल वास्तविक तौर पर पूछे गए थे, इसके मैं 100% प्रूफ देगा क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम देकर आया। और कैसे आप लास्ट में एक रामबाण बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि देखिए ठेस लगने से बुद्धि बढ़ने वाली बात है, आपको उतनी समय नहीं है कि आप बार बार ठेस लगाए अपनी बुद्धि बढ़ा, जो उस रास्ते पर चल चुके उससे कुछ सीखते हैं तो आपका समय की बचत होती होगी और अपने जल्दी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कितने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा, यहाँ देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद चमक रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए मार्क लगा हुआ है, मेरा एग्ज़ाम हुआ था, देखिए यहाँ पे ये मार्क है और एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखिए, ये प्रकाशन है और मैंने इसके पेज पर लास्ट ओर मैंने प्रश्न को लिखा हूँ। चलिए प्रश्न क्या क्या है मैं इस प्रश्न को दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न था फ्रेंड्स कि आकार के दृष्टि से, आकार का ये साइंस जो जीएस का क्वेश्चन था, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ऐसे करके ऑप्शन में था। आकार से बढ़ते हुए क्रम में इसका नाम होता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये प्रश्न था कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बुध इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजिक्स से कि कोणीय चाल यानी कोणीय चाल का इक्वेशन पूछा था, कोणीय चाल का इक्वेशन पूछ रहा है, फिजिक्स से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला था वायुसेना दिवस, देखिए ये एयरफोर्स का एग्जाम था इसलिए इसमें पूछा गया था वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी दिवस आप देख ले जाइएगा, दिव्यू से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद समविभवी आवेश को जब किसी स्थान पर ले जाते तो किया गया कार्य क्या होता, ऑप्शन था 2 होता 3 होता 4 होता या 0 होता, तो समविभवी जब भी क्षेत्र होता है तो वहाँ पे आवेश क्या होता था, 0 हो जाता, 0 हो जाता, ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कि विद्युत वाहक बल के बीमा किसके समान होते, ऑप्शन नंबर 1 में था कार्य, बी में था बल, सी में था आवेश और डी में कुछ और ऑप्शन था, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा था क्वेश्चन था विद्युत वाहक बल की बीमा किसके समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन था कि क्वाड की 2021 में जो बैठक हुई थी यह कहाँ हुई थी, ऑप्शन था जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन था टोक्यो में, तीसरा पेरिस में था, चौथा वाशिंगटन डीसी में करके था, तो इसका वर्चुअली बैठक हुआ था वाशिंगटन डीसी में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यूएस ओपन कौन जीताया था, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, राफेल नडाल और बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, लेकिन राफेल नडाल दिए गए थे, डेनियल मेदवेदेव दिए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। तो देखिए जितने भी जो पर्सनस है जो 2021-22 में अवार्ड जितने भी जीते हैं, खासकर नोबल प्राइज़ को भी आप देखे जाइए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बंद है। अगला पीएनपी जंक्शन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक एक पूछा जा रहा है, इससे टॉपिक